हाँ जी। ब्रह्मचारी बना, ब्रह्मचारी बना, बना ब्रह्मा जैसे आचरण करना। हाँ जी। बाबा भी कहते हैं धर्म में ब्रह्मा को पाला करो और बात नहीं मानो। हाँ जी। वो ब्रह्मा जब तक संपन्न न बनेगा तब तक कोई भी संपन्न नहीं बन सकता। बाप कौन से बच्चे के लिए पढ़ाई खास पढ़ाए रहे हैं? हाँ, अपना शरीर रहते रहते वो पढ़ाई नहीं पढ़ सके। इसलिए उनके मंदिर, उनकी मूर्तियां, उनकी याद नहीं करते हैं। बाप के ही मंदिर बनते हैं, मूर्तियां बनती हैं और याद भी करते हैं। और बाप में, बाप की मन बुद्धि में वो चंद्रमा बच्चा समाया हुआ है। और कर्मों में किसको फॉलो करना है? कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करना है। है नहीं, वो तो शरीर छोड़ दिया है और उसको पूजन भी नहीं है और गायन भी नहीं, मंदिर भी नहीं है। हुआ तो है, बुद्धि से खींच तो सकते हैं। गांधी जी नहीं है तो क्या गांधी जी ने जो बातें सिखाई, जो सुनाई, और गांधी जी को क्या याद नहीं कर सकते? ऐसे ही ब्रह्मा ने भी जो कर्म किए हैं वो प्रत्यक्ष हैं। जो सहन शक्ति का नमूना ब्रह्मा ने पेश किया वो सबके सामने मौजूद है। कोई इनकार नहीं कर सकता। कि ब्रह्मा बाबा ने जितना दुनिया में सहन किया है उतना और कोई पाठधारी भी सहन कर सकता है। और लेकिन उसमें तो सहनशीलता का पाठ है, वो शुरू हो जाएगा तो वो क्या भुला देंगे? उसे मानेंगे नहीं, मानना तो पड़ेगा। मानेंगे तो फॉलो भी करेंगे। बाबा, शाम में सफलता का आधार क्या है? शाम में सफलता का आधार क्या है? काय का आधार? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ में सफलता का आधार क्या है पूछ रहे हैं। तो साथ में किसका आधार? सफलता का आधार, पुरुषार्थ में सफलता पाने के लिए। आत्मिक स्थिति, पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने लिए, आत्मा के लिए करना है तो पहले आत्मिक स्थिति में ही धारणा करनी पड़े। आत्मिक स्थिति में जितना टिकेंगे, देह भान से दूर होते जावेंगे तो पुरुषार्थ में सफलता स्वतः ही मिलती जाएगी। माने क्या है? गफलत है। गफलत का मतलब क्या है? अभी जो गफलत माने लापरवाही। हाँ जी। जीवात्मा, परमात्मा और अनुजीवात्मा, इसका अर्थ क्या है? जीवात्मा, परमात्मा और अनुजीवात्मा। परमात्मा अनुजीवात्मा, अनुजीवात्मा कहाँ से आया? मार्ग में ऐसे शब्द नहीं सुना। की मार्ग में अनुजीवात्मा बोल दिया होगा कोई ने। अनु माने फॉलो करना, अनुसरण करना। सभी आत्माएं एक दूसरे का अनुसरण करती है। अगर सब एक का ही अनुसरण करने लगे तो सब बाप समान बन जावे। और जोर से बोल। साधना आपका क्लास है। अपना पंखा, इसकी आवाज ज्यादा आ रही। रुको रुको रुको, मतलब क्या है बाबा? ये पंखा बंद ही कर दो। अरे हाँ, बाबा आत्मा के पास है, मुस्लिम आत्मा घूम रही है। आपके क्लास में आत्मा घूम रही है। आत्मा में जीवात्मा घूम रही है। ताजमहल, हाँ क्या क्या उसके नजदीक तो मुस्लिम आत्मा घूम रही है। वो तो सभी जगह घूम रही है। ताजमहल क्या है? आपके कोई खास बात है? आपके पीछे ताजमहल में ही नहीं, सारी दुनिया में जीवात्माएं घूम रही है। पूछ लेते हैं, आपके क्लास में आपके पीछे ताजमहल का चित्र लगा हुआ है, तो मैं एक क्लास में आपका क्लास में एक दिनेर के गांव में आपका क्लास में आपके पीछे ताजमहल का चित्र लगा हुआ है। हाँ, उसका मतलब क्या है? आप मुस्लिम आत्मा घूम रहे हैं ऐसा बोल। तो लगाने वाले ने ताजमहल का लगा दिया, कोई कुछ भी लगा दे। लगा रहे उसका, आप बोले थे आत्मा घूम रहे, मुस्लिम आत्मा उतरे, इसके हिसाब से क्लास में ताजमहल का। आत्माएं तो हर जगह घूमती है। आगे चल करके ढेर सारे मौतें होंगी अकाले, तो अकाले मौत जब करोड़ों की होगी तो कितनी आत्माएं दुनिया में घूमेंगी? क्या ताजमहल के आसपास ही घूमेंगी क्या? तो मुस्लिम स्पेसिफिकली मुस्लिम बता रहे हैं बाबा, मुस्लिम आत्मा क्यों? जो मुसलमान आत्माएं हैं वो पहले नंबर में देवताओं के विरोधी बनती है। देव आत्माएं जो होती हैं वो पाप कर्म करने वाली नहीं होती हैं, और जो विधर्मी आत्माएं होती हैं वो ज्यादा पाप करती हैं। तो जो ज्यादा पाप करती हैं वो ज्यादा भूत प्रेत बनते हैं, भटकते ही रहते हैं। उनके लिए ये कोई जरूरी नहीं कि ताजमहल के आसपास ही घूमेंगे, दुनिया में कहाँ भी घूमेंगे। और बाबा, हाँ जी। तो शास्त्रों में तो एक रिसेंट मुरली में बताया बाबा, जो मुरली का डेट है 12/11/2010, मुरली में कहा है कि लक्ष्मी नारायण को शास्त्रों में कोई ग्लानी नहीं है। लक्ष्मी नारायण, जब लक्ष्मी नारायण की बात बताते हैं बाबा, तो लक्ष्मी के आगे रखा और नारायण को पीछे का, क्योंकि पवित्रता की पुरुषार्थ में नारायण को भी मदद देने वाला लक्ष्मी है। हाँ, लेकिन बाबा जब सत्य की बात आती है, सत्य तो ये को लागू होते हैं और सत्य नारायण, सत्य लक्ष्मी भी नहीं कहा जाता है। हाँ, तब पवित्रता और सत्यता इस दोनों की डेफिनेशन में कैसा समझ सकते? दूसरा पवित्रता और सच्चा। आज की दुनिया के सन्यासी है और गृहस्थी भी है, और ब्राह्मणों की दुनिया के भी गृहस्थी है और सन्यासी भी है। पवित्रता से ज्यादा प्यार किनको देखा जाता है? पवित्रता के लिए ज्यादा त्याग कौन करते हैं? गृहस्थी करते हैं या सन्यासी करते हैं? किन्होंने जन्म जन्मांतर त्याग किया? तो जिन्होंने पवित्रता के लिए त्याग किया जन्म जन्मांतर, वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो भी जीवात्माएं हैं वो सुख भोगने से ही अपवित्र बनती है। और ये सृष्टि सुख दुख का खेल है। पवित्र रहना ये 5000 वर्ष के पाठ में कोई बड़ा काम नहीं है। क्योंकि जो भी आत्माएं हैं जन्म मरण के चक्र में आने वाली, वो सब नंबरवार भोगी हैं। इंद्रियों के भोग किए बगैर कोई रह नहीं सकते हैं, सन्यासी भी नहीं रह सकते। तो भगवान आकर के पवित्रता को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, क्योंकि इस दुनिया में अपवित्र तो सब है, सन्यासी भी अपवित्र हैं। भगवान ये नहीं देखते कौन पवित्र है कौन अपवित्र है, भगवान तो सच्चाई देखते हैं। जो सच्चाई सन्यासियों में नहीं होती है, वो सच्चाई गृहस्थियों में होती है। वो मान मर्तबा लेने के लिए पवित्र रहते हैं, गृहस्थी मान मर्तबा के लिए नहीं होते हैं। तो भगवान प्रायोरिटी नहीं देता है। ये अपवित्र है, ये पवित्र है, इसको उठाना है, इसको नहीं उठाना है। देखा जाए तो प्रैक्टिकल में तो यही साबित होता है कि भगवान पतित से पतित तन को आकर के पहले उठाता है। जो सन्यासी पवित्र रहे हैं जन्म जन्मांतर, वो बाद में निकलते हैं। यही कारण है कि भगवान को पहचानने वाली पवित्र आत्माएं नहीं होती हैं। भगवान को पहचानने वाले सच्ची आत्माएं होती हैं, जो दिल की सच्ची हैं। सच्चे दिल पर साहब राजी। पवित्र के ऊपर साहब राजी ऐसा गायन नहीं है। जिन्होंने जन्म जन्मांतर पवित्रता के लिए त्याग किया, उनका नंबर तो पीछे रह जाता है। लेकिन बाबा ने स्पष्ट करता है कि जब तक तीसरी शक्ति प्रैक्टिकल फील्ड में नहीं आता है, तब तक कार्य संपन्न नहीं होता है। तो वो तो पवित्र शक्ति है ना, वैसे नहीं तो बाप है, लेकिन बाप प्रियोरिटी किसको देते हैं? तो प्रियोरिटी तो राजयोग सीखने वाले बच्चों को प्रियोरिटी देते हैं या पवित्र रहने वालों को प्रियोरिटी देते हैं? लेकिन संपन्नता की बात आती है बाबा, जब तक वो नहीं आती है, जो इतना भी ज्ञान हो कोई फायदा नहीं है ना। फायदा है। फायदा ये है बाप की चाहना का। बाप किसको जास्ती पसंद करते हैं? बाप को पहचानने वालों को जास्ती पसंद करते हैं या पवित्र रहने वालों को जास्ती पसंद करते हैं? पहचानेगा ही नहीं तो पुरुषार्थ कहाँ से करेगा? पहली बात है ज्ञान। भगवान क्या है? ज्ञान ही तो भगवान है। भगवान आता है तो क्या देता है? ज्ञान ही तो देता है। तो ज्ञान को जो महत्व नहीं देते, जैसे कि सच्चाई को महत्व नहीं देते हैं। और गायन तो यही है, सत्यम शिवम। सत्य ही भगवान है। गॉड इज ट्रुथ। सत्य नहीं है तो भगवान नहीं है। सत्य बाप ही आकर के सच्चखंड स्थापन करते हैं। सारी मनुष्य सृष्टि झूठी है। मनुष्य सृष्टि में ग्रेट कहे जाने वाले ग्रेट फादर्स भी झूठे हैं। वो झूठ खंड ही बनाते हैं। 100% सच्चा शिव ही है। और जो 100% सच्चा पार्ट बजाता है, 84 जन्मों में हीरो पात्रधारी है, उसी के द्वारा सच्चखंड की स्थापना कराते हैं। सत्य बड़ी चीज है। ईश्वर प्योर तो सिवाय शिव के कोई बन ही नहीं सकता। लक्ष्मी भी जब तक संपूर्ण ज्ञान न ले, बाप को न पहचाने, तो इंद्रियों के संग के रंग में पतित ही बनती रहती है। आंखें भी ज्ञान इंद्रियां हैं, उन्हें ये ज्ञान नहीं है। कि मनुष्य आत्माएं सब पतित है इस कलयुग की दुनिया में, एक भी पावन नहीं है। और पतित बैठ पतितों को दृष्टि देंगे तो पतित दुनिया बनेगी या पावन दुनिया बनेगी? एक ही सत्य है और एक की दृष्टि से ही ये सारी सृष्टि सुधरती है। एक ही एवर प्योर है। हाँ, भारत की रानियां जन्म जन्मांतर पवित्र रही है, इसलिए पवित्रता को धारण करने में उनको ज्यादा कठिनाई नहीं होती है। लास्ट में एडवांस ज्ञान में आवेंगी और फास्ट चली जावेगी। ये ड्रामा बना हुआ है। सोचना चाहिए, इस ड्रामा में अंधा होना अच्छा है या लंगड़ा होना अच्छा है? है? आंखें हजार नयामत कही जाती है। ऐसे नहीं कहते हैं कि टांगे हजार नयामत। टांगों का अपना महत्व है और आँखों का अपना महत्व है। क्या मतलब? सर्व इंद्रियों में नयन है एक बहुत प्रधान इंद्रिय है। भक्तिमार्ग में भी ऐसा कहती है। हाँ जी, चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म। हाँ, तो नयन ही नहीं रहे तो जैसे कि दुनिया ही नहीं रही। पूजा करते तो बड़े से बड़े है, देवियों को पूजा करते तो बड़े से बड़े असुर बनते हैं। बड़े से बड़े असुर बनते हैं। हाँ, सीता पार्वती को भी जड़ तो बुद्धि है क्या? फिर इस कलयुग में देवियों को पूजा का महत्व है। हाँ, देवियों को पूजा को महत्व देते हैं कलयुग में। हाँ क्योंकि तमो प्रधान युग है ना, जो तमो प्रधान युग होता है उसमें चारों ओर तमो प्रधानता का वातावरण फैल जाता है। कोई कितना भी करे तो भी उल्टे रास्ते की तरफ ही जावेंगे। स्त्री चोला कलयुग के अंत में अगर भगवान ना आवे तो अबला हो जाता है या प्रबल रहता है? अबला बन जाता है। पुरुषों के लिए नहीं कहेंगे कि वो अबला बन जाते हैं। भगवान स्त्री चोले में नहीं आता है, भगवान किस में आता है? पुरुष चोले में आता है। स्त्री चोला 5 तत्वों का आदर्श सैंपल है। ज्यादा आकर्षण होता है। ज्यादा खींचने वाला होता है। इसको प्रकृति कहें, ये रचयिता की कुदरत है। पहली पहली रचना है, परंतु रचयिता नहीं है। रचना ऊंचा है या रचयिता ज्यादा ऊंचा है? इसलिए कलयुग में आकर के गिरे हुए युग में जो गिरे हुए लोग हैं वो गिरी हुई पूजा करते हैं। द्वापर के आदि में श्रेष्ठ आत्माएं श्रेष्ठतम की पूजा करती हैं। व्यभिचारी और अव्यभिचारी बनने की बात है। जो कहा जाता है अंतकाल जो स्त्री सिमरे, कौन सी योनि में गिरे? वैश्या योनि मिले। क्या पुरुष लंपट नहीं होते हैं? तो होता है तो स्वभाव ऐसे है। फिर ये गायन क्यों नहीं है? लंपट योनि मिले। क्योंकि स्त्री को तो पवित्रता को प्रतीक है ना, है स्त्री माना तो स्त्री में कीर्ति जास्ती होती है तो पवित्रता का प्रतीक है। नहीं, ज्यादा पतन प्रकृति का होता है। ज्यादा जड़त्व में ही माताएं बनती हैं। और इसका कारण भी क्या है? है मुख्य प्रकृति माता कौन है? जगदम्बा के मोह है। जड़त्व बुद्धि होने के कारण बाप को पूरा पहचान नहीं पाते हैं। कोई विकार के कारण, मोह के विचार के कारण। देह अभिमान है मुख्य। पांच विकारों का बाप है देह अभिमान। कन्याओं माताओं में देह का होना ज्यादा होता है। पुरुष आत्मिक स्थिति में जल्दी टिक जाते हैं, इसलिए रुद्रमाला दिखाई है। रुद्रमाला है पुरुषों की माला। आत्मिक स्थिति में टिकने वालों की माला। जगदम्बा भी रुद्रमाला में आते हैं ना? भला जगदम्बा रुद्रमाला में है, फिर आत्मिक स्थिति में अगर टिके तो भगवान को पहचाने ना। पहचान करके क्यों भूल जाए? देह अभिमान के कारण तो दुनिया की गिरफ्त में आ जाते हैं। और इस नक्षत्र का है ना, रोहिणी नक्षत्र में गर्मी है, मतलब क्या है? 27 नक्षत्र है ना आदि, रोहिणी नक्षत्र में बहुत गर्मी है, मतलब क्या है? सत्ताईस नक्षत्रों की बात ये शास्त्रों की बात है या बाबा की बताई हुई बात है? दुनिया ने जो कुछ बताया है वो सब भूसा, और बाप जो कुछ बताते हैं वो सार की बातें शास्त्रों में से उठा के बताते हैं। और कर्मयोग का अर्थ क्या है? कर्मयोग का अर्थ है कर्म भी करते रहो, कर्मेंद्रियों से कर्म जरूर करना है। ऐसे हो नहीं सकता कि कोई कर्म छोड़ दे, कर्मेंद्रियों से कर्म करे ही नहीं। आंखें हैं तो देखेगा जरूर, कान है तो सुनेगा जरूर, कर्मेंद्रियां हैं तो कर्म तो जरूर करेंगी, परंतु उन कर्मेंद्रियों को योग के द्वारा निरस्त किया जा सकता है। यमन किया जा सकता है। कर्मेंद्रियों का कर्म अकर्म बनाया जा सकता है। किए हुए कर्म का, अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, उसका कोई पाप और पुण्य नहीं बनेगा। अगर मन परमपिता परमात्मा की याद में मशगूल है, मन लगाव पूर्वक कर्मेंद्रियों के भोग भोगता है, तब पाप और पुण्य बनते हैं। इसको कहते हैं कर्मयोग। कर्म भी करना है और बाप को याद भी करना है। ये गृहस्थियों को सिखाया गया है। ये कर्मयोग गृहस्थियों के लिए है। सन्यासी तो जल्दी मानेंगे भी नहीं, वो तो जन्म जन्मांतर सन्यास योगी रहे हैं। कर्म को त्याग दिया है। हम कोई धंधा नहीं करेंगे, खाना भी नहीं पकावेंगे, टांगों से जल चल करके जाते तो हैं दरवाजे पर, वो कर्म नहीं किया क्या? सदैव हम तो समुकारे बिरयानी है आदि। रावण साधु वेश धारण कर सीता का अपहरण किया कहते हैं, लेकिन बाबा साधु का अर्ध साधना करने वाले कहते हैं, तो अपहरण उस रूप में क्यों किया? तो सीता का अपहरण उस रूप में क्यों किया? साधु वेश करूँ साधु वेश में साधु का अर्थ साधना किया करने वाले कहते हैं। इंद्रियों की जो साधना करते हैं, इंद्रियों को जो साधते हैं, उन्हें साधु कहा जाता है। हाँ। रावण साधु वेश धारण कर सीता का अपहरण क्यों किया? रावण ने साधु वेश धारण कर लिया। वेश धारण करने से कोई अंदर से हो जाता है साधना करने वाला? अंदर से अगर साधना करने वाला हो गया होता तो जबरदस्ती क्यों पकड़ता? सीता के साथ जबरदस्ती की इंद्रियों से या उसकी स्वेच्छा से उठा ले गया तो साधु है? वेश है साधु का। अंदर से कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं है, दिखावा किया साधु बनने का। और लव और ला, इसका मतलब क्या है? लव और ला है ना बाबा। लव माने प्यार और ला माने कानून। तीन मूर्तियां हैं, ब्रह्मा है लफुल और तीसरी मूर्ति जो बैठी हुई है वो है लाफुल। इसके द्वारा उसको परिवर्तन चलता है। ला और लव का बैलेंस होगा तो परिवर्तन होगा। कहाँ लव का प्रयोग करना है और कहाँ ला का प्रयोग करना है। ला कानून चोर डकैतों के लिए होता है या जो अच्छा पार्ट बजाते हैं उनके लिए होता है। परिवार के प्रति लफुल बनना है और जो परिवार का घात करने वाले हैं, ईश्वरीय पारिवारिक व्यवस्था को तोड़ने वाले हैं, उनके साथ लाफुल बनना है। बाबा काशीलो शरीर मदल बेचने जन्मदार गोपाल भाई मुझे जो काशी में जो शरीर छोटी है बाबा, उनको पुनर्जन्म होता है या नहीं? पूछ रहे। काशी में जो शरीर छोड़ते हैं वो याद के वातावरण के बीच पहुंच गए, काशी में पहुंच गए। और जो याद के वातावरण के बीच में पहुंच गए उनको जन्म तो मिलेगा, बाकी स्वर्ग में जन्म मिलेगा, नरक की दुनिया में वापस नहीं आवेंगे। ये तो बेहद का बात है, ये तो बेहद की बात है। हाँ, बेहद की ही बात है, हद की नहीं ना, हद की काशी की बात है। हद के बारे में पूछ रहे हैं, हद के बारे में पूछ रहे हैं। बाबा का ज्ञान बेहद के बच्चों के लिए है या हद के बच्चों के लिए है? बेहद के बच्चे हैं आत्माएं। और बाबा विद्या देवी सरस्वती को कहते हैं, लेकिन ज्ञान तो शिव ने प्रजापिता और ब्रह्मा के द्वारा दिया, सरस्वती को विद्या देवी क्यों कहते हैं? क्योंकि पवित्रता के बगैर ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती है। जो पवित्र रहेंगे उनको ही ज्ञान की धारणा होगी। पुरुष तो सब दुर्योधन दुशासन है, तो दुर्योधन दुशासन कहें हम ज्ञानी है, ये शोभता है। इसलिए बाबा ने मना कर दिया, पुरुषों को कम से कम कन्याओं माताओं को ज्ञान नहीं सुनाना है। कन्याएं माताएं धारणा की देवी होती हैं। कन्याओं माताओं में प्योरिटी के प्रति ज्यादा पुरुषार्थ होता है, इसलिए कन्याएं माताएं बैठ कन्याएं माताओं को समझाएं। कन्याएं माताएं पुरुषों को भी समझा सकती हैं। ये नियम बनाया हुआ है। ज्ञान का दान कन्याओं माताओं के द्वारा होना चाहिए। और पुजारी कहाँ कौन से भक्ति मार्ग में होते हैं? पूजी भी बनते हैं, पुजारी भी बनते हैं, बन के बैठ जाते हैं। पूजी होते थोड़े ही है कोई पूज्य। जिन मूर्तियों को पूजते हैं वो तो पूज्य होने की बात ही नहीं। जड़ मूर्तियां कैसे पूज्य होंगी? पूज्य चैतन्य होता है या जड़ होता है? है जड़ पूज्य होता है। जो जड़त्वमयी बुद्धि वाला है वो असली पवित्रता को धारण नहीं कर सकता। जो चैतन्य बुद्धि है वो ही पवित्रता को धारण कर सकता है। इसलिए अंतर पड़ जाता है। और इसका मतलब यही है, जन्मोत्सव के पास जाकर पूजा कर रहे हैं ना अभी लोग दुनिया वाले। हाँ, तो इसलिए वह कहा तू जड़ को पूज हो रहा है। जड़ तो पवित्र थोड़ा ही होता है, नहीं होता है, लेकिन वो तो पूज कर रहा है ना। अंधश्रद्धा में कुछ भी करे। हाँ, जो बेसिक में कई सालों से बाप की मुरलियों के प्रति बहुत प्रीति रखा है, फिर बेसिक में कुछ साल यानी कई सालों मुरलियों बाप तो कागज की मुरली है ना बाबा, तो कागज की मुरलियों के प्रति प्रीति होकर उसके बाद तो एडवांस में आते हैं। वो ज्यादा एडवांस को गहराई समझ सकते हैं। वो क्या कहना है, वो डायरेक्ट एडवांस में आती है, बिना बेसिक लेकर वो ज्यादा एडवांस में सीखा जा सकता है। दोनों में कोई भी आत्मा डायरेक्ट एडवांस में नहीं आती है। पूर्व जन्म की होता है, या तो पूर्व जन्म में बेसिक में चल चुकी है या तो इस जन्म में बेसिक में चल पड़ती है, तब ही एडवांस में आती है। लेकिन कुछ आत्मा ऐसी करती है तो बेसिक के बारे में इतना हमको जानकारी नहीं है, इसलिए हमको इतना अनुभूत नहीं अनुभव हो रहा है। तो बेसिक में जो चला है इसलिए वो उनको बहुत माना ज्ञान के प्रति प्रीति होने के कारण उसका अनुभव ज्यादा ऐसा बोल रहा है। इसका कारण क्या है? क्या माना तो डायरेक्ट आने वाला जो है ना बाबा, हाँ, वो कहते हैं हमको बेसिक नॉलेज ना होने के कारण हाँ इतना अनुभव नहीं हो रहा है। तो एडवांस में अरे बेसिक नॉलेज में क्या सच्चाई नहीं है? सच्चाई है बाबा। वो बोल रहा है बेसिक नॉलेज ना होने के कारण इस जन्म में। तो कौन मना करता है कि आप मुरलियों का अध्ययन न करें, ब्रह्म वाक्यों का अध्ययन न करें? अखबार पढ़ सकते हैं, शास्त्र पढ़ सकते हैं, क्या ब्रह्म वाक्य नहीं पढ़ सकते? तो पता नहीं। तो दूसरी नंबर जो है वो तो डायरेक्ट अकाउंट्स में आया या बेसिकली पता नहीं, लेकिन वो तो दूसरी नंबर पकड़ा ना पाओ। जो है काशी जो है केतन का, केतन काशी जो है हाँ दूसरा मलका है असदेव में, हाँ वो तो पता नहीं, वो तो डायरेक्ट एडवांस में आया नहीं बेसिक की बात है। बेसिक में होता है, बाद में एडवांस में आता है। इस जन्म में भी, इस जन्म में भी ऐसा अस्तित्व जो बनते हैं वो जरूर इस जन्म में बेसिक लेना है ना। ऐसा नियम है अस्तित्व जो अस्तित्व है हाँ जो अस्तित्व बनने वाला जरूर इस जन्म में ही बेसिक लेना, ऐसा नियम कोई है क्या? ऐसा कोई नियम नहीं है। और बाप से भी बड़ा पद बच्चों का कहते हैं मामा। बाप ज्योति बिंदु है, जो ज्योति बिंदु बाप है उसको अपना शरीर नहीं है। और जिस तन में प्रवेश करता है उसको अपना शरीर भी है। तो बाप कहते हैं मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनता हूँ और तुम तो त्रिलोकीनाथ बनते हो, तीन लोकों के नाथ बनते हो। इसलिए बाप तुम बच्चों को नमस्ते करते हैं। गीता में भी आया है, दो प्रकार की आत्माओं के रूप हैं, एक क्षर और एक अक्षर। क्षर माना क्षरित होने वाली, नष्ट होने वाली, शक्ति क्षीण होने वाली क्षर, और अक्षर जिसकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती। दो अक्षर है शिव और क्षर है 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं। उनमें भी इन दोनों प्रकार में से भी एक तीसरा प्रकार है जो क्षर और अक्षर तीनों से ही श्रेष्ठ है, दोनों से श्रेष्ठ है। ये वो आत्मा है जो हीरो पार्टधारी है। क्षर है, क्षरित तो होती तो है परंतु उसका संपूर्ण विनाश नहीं होता है। 5000 वर्ष में लोप नहीं होती है। जैसे शिव ज्योति बिंदु सदाकाल है, इस सच रूपी रंगमंच पर सदाकाल नहीं है। और 500-700 करोड़ आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदाकाल नहीं होती है, लेकिन एक आत्मा है जो ऑलराउंड पार्टधारी है, सदाकाल इस सृष्टि पर मौजूद है। वो है मनुष्य सृष्टि का बीज बाप, जिसका आधार परमपिता शिव को भी लेना पड़ता है। नई दुनिया रचने के लिए और पुरानी दुनिया का विनाश करने के लिए। और जो बाबा मुद्दे में कहेंगे तो प्राय लोग होता है, पूरा लोग नहीं होते तो उसको लागू हो जाएगा। हाँ जी बाबा, अमरनाथ बर्फ का शिवलिंग देखने के लिए थोड़ी सब लोग थोड़ी जा रहे हैं। हाँ। तो जाकर थोड़े लोग शरीर छोड़ रहे हैं, उधर जाना जरूर है क्या बाबा देखने के लिए? बेहद में लगाओ इसका अर्थ। वेद में ऐसे बहुत हैं जो प्रैक्टिकल में अमरनाथ बाप बर्फ के लिंग का पार्ट बजाता है, उसकी सर्च करने के लिए ढेर सारे निकल पड़ते हैं और सर्च करते करते ही मर जाते हैं, अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं। अभी ज्यादा मरने वाले हैं। और तुमने स्त्री की हाथ में मिट्टी की चिड़िया है, पुण्य स्त्री की हाथ में मिट्टी की चिड़िया शिव मानने का कारण है। पुण्य स्त्री की हाथ, पुण्य स्त्री, पुण्य स्त्री क्या? पुण्य स्त्री, पुण्यासी, पुण्य पति होने वाले की सुहागन, सुहागन, सुहागिन। हाँ, हाथ में मिट्टी की चिड़िया शुभ मानने का कारण क्या है? सुहागिन के हाथ में चूड़िया। हाँ, शुभ मानने की क्या है? शुभ मानने का कारण क्या है? अगर कोई स्त्री पुरुष के कंट्रोल में न रहे, जैसे जेल में कैदी को हथकड़ी और बेड़ी डाली जाती है, क्यों डालते हैं? हथकड़ी बेड़ी क्यों डालते हैं? अगर न डालेंगे तो भाग जाएगा, बड़ा शातिर है। इसलिए भक्ति मार्ग में बताया कि स्त्रियों को पांव में पायल अथवा खड़ुआ मोटे मोटे डाल देते हैं और हाथ में चूड़ियां जरूर पहननी है। ये हाथ हथकड़ी और पायन बेड़ी की बात है। हाँ, किसी पुरुष के कंट्रोल में रहना जरूरी है। अगर कंट्रोल में नहीं रहेगी तो स्त्री नरक बना सकती है, दुनिया को वैश्यालय बना देगी। इसलिए चूड़ियां पहनना शुभ बात है, खराब बात नहीं है। और नाक में नथनिया भी डालते हैं, जैसे बैल होता है तो बैल की नाक में क्या डालते हैं? नाथ डाल देते हैं। और बाबा सच्चे गुण वाले हैं, सच्चे गुण वाले देवताओं को, रजोगुण वाले राक्षस को, तमोगुण वाले भूत पिशाच को पूजा करते हैं। ये कौन सा इसमें लागू होता है? सतुगुण वाले देवताओं को, रजोगुण वाले राक्षस को, तमोगुण वाले। रजोगुण वाले राक्षस थोड़े ही होते हैं, राक्षस तो तमोगुण वाले होते हैं। गीता में एक बात आई ना बाबा, भूत प्रेत को पूजा करती है, मेरी उपासना करने वाले मेरे प्यार करते हैं। भूत प्रेतों की उपासना करने वाले भूत प्रेतों से प्राप्ति करते हैं और भूत योनि में जाते हैं। हाँ जी। और जो मेरी उपासना करते हैं वो मेरे लोक को जाते हैं, जो देवताओं की उपासना करते हैं वो देवलोक में जाते हैं। इसका मतलब है 3 लोक हैं, इसलिए त्रिलोकीनाथ कहा जाता है। जो त्रिलोकीनाथ का पार्ट है उसके लिए मुरली में बोला है, स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? माना नरक की दुनिया में भी वो हार खाने वाला नहीं है। चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे शिवाजी हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, ये 3 लोक हैं। पुरुषोत्तम संगम युग मेरा लोक है, मेरी उपासना करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। पुरुषोत्तम संगम युग में देवताओं की उपासना करने वाले सतयुग त्रेता में सुख भोगते हैं। और तांत्रिक अथवा भूत प्रेतों की पूजा करने वाले भूत प्रेत योनि में जाते हैं। ये बताया। और तमोप्रधान से सत्वप्रधान बनने के लिए 40-50 वर्ष लगता है, पता है। हाँ जी। और दूसरी ओर चढ़ती कला तेरे भले सर्व का भला, ये बताया। हाँ, ये दोनों अलग अलग को लागू होती है, ये को लागू होती है। अलग अलग को लागू होती है या ये को लागू होती है? चढ़ती कला तेरे भाना सर्व का भला और तमो प्रधान से सतम प्रधान बनने के लिए 40-50 वर्ष लगता है। हाँ, ये दोनों बात एक ही लागू होता है, दो डिफरेंट आत्माएं का लागू है, दो आत्माओं का लागू। और क्लियर करो क्या पूछना चाहते? ये बाबा तमो प्रधान से सतम प्रधान बनने के लिए 40-50 वर्ष लगता है। हाँ। और वो कोई एक आत्मा की बात थोड़ी बताई। 40 से 50 वर्ष जो बताए हैं वो बाबा से जो राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हैं उनके लिए बताया है, जो राजा रानी बनने वाले हैं उनके लिए बताया है। उसमें पहले आती है माना प्रजापिता आता है पहले, उसमें नंबर वार है। 10 साल का टाइम दिया है तो नंबर वार बहुत ही होंगे, एक ही बात थोड़ा ही है। सबका भला कोई एक आत्मा की लगता होगी, सभी के लिए लागू होती है। जिनकी चढ़ती कला होगी वो अपने लिए नहीं सोचेगा, वो सर्व का भला करने में लगा रहेगा। जिनकी चढ़ती कला नहीं है, उतरती कला है, वो स्वार्थ के लिए सोचेगा। रथ के लिए सोचना माना पुरुषार्थ ही नहीं है। पुरुष माने आत्मा के लिए नहीं कर रहा है, देह के लिए करने में लगा हुआ है। देह का कनेक्शन एक जन्म से है और आत्मा का कनेक्शन अनेक जन्मों से है। कोई निश्चित टाइम होता है बाबा, उसको निश्चित टाइम होता है ना? क्या मैंने क्या क्या कहते कला तेरे भाने सामने कहा, हाँ कोई निश्चित टाइम होता है ना इसके लिए। जब संपन्न पुरुषार्थी बनता है, आत्मिक स्टेज की परिपक्व स्टेज होती है, तो जो आत्माभिमानी बन जाएगा 100%, वो देह के लिए क्यों सोचेगा? मतलब 2018 के पहले कोई को ऐसी स्टेज आ सकता है, आने का संभव है। जब टाइम निश्चित कर दिया 40 से 50 वर्ष लगते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में, तो पहले आने की गुंजाइश कहाँ रही? एक श्लोक पे उठाते हैं, तमेव माता से पिता तमेव हमें बाबा सखा हमें हमने श्लोक उठाते, उसके बाद हमें विद्या द्रविणम हमें हमें सर्वम मम देव देवा ये बोला है। ये तीसरे स्टैंडर्ड में जो पाद है उसके हमें विद्या द्रविणम हमें, उसका मतलब द्रविण माने धन संपत्ति, द्रविणम धन संपत्ति। हमारी धन सब कुछ, धन संपत्ति सभी कुछ आप हो। हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति।